वेलकम बैक टू अवर चैनल एमए रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही झटपट और बहुत ही सिंपल बन जाने वाली आलू शिमला मिर्च की रेसिपी। इसे कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी, तो आपसे उम्मीद है कि आप इसे पूरी लास्ट तक देखेंगे। तो आइए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। आलू शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है आधा किलो शिमला मिर्च, और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेने के बाद इस तरह काट लिया है। 100 ग्राम घी लिया है, आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 250 ग्राम लिए हैं आलू। अगर आपको आलू खाने ज़्यादा पसंद है तो आप इसे 300 ग्राम भी ले सकते हैं। मसालों में मैंने यहाँ लिया है 1/2 टेबल स्पून अचार का मसाला, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लिया है लहसुन का पेस्ट, और 1/2 टेबल स्पून प्लस 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून प्लस 1/2 टीस्पून ही लिया है नमक। इसके साथ ही हमें एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं, और 1 टीस्पून ज़ीरा भी लेना है। सबसे पहले हम पैन में घी गरम कर लेंगे। आप घी की जगह ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, और हल्का घी गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। हमें प्याज को गोल्डन होने तक पकाना है। जैसे ही ये गोल्डन होती है हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, और ज़ीरा क्रैकल होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। इन स्पाइसेस के साथ हम इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले जले नहीं, और इन्हें 2 मिनट तक पकने देंगे। इन्हें थोड़ा पका लेने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। थोड़ा पानी ऐड कर लेने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और पकने देंगे 5 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी काफ़ी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, और इन आलूओं को इन सभी मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। ये ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी है, पिकनिक पर जाते टाइम आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हाँ, पर उस टाइम पर आप घी की जगह ऑयल का ही इस्तेमाल करें ताकि ये जमे नहीं। इसके साथ ही अगर हम शिमला मिर्च को खीमे के साथ बनाते हैं तो वो भी बहुत टेस्टी बनता है, और अगर आप इसे पराठों के साथ खाएं तो ये लाजवाब हो जाता है। तो बातों ही बातों में आलू और शिमला मिर्च भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। 225 ml पानी हम इसमें ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे कवर कर देंगे। पकने देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि आलू टेंडर हो चुके हैं या नहीं, आलू गल चुके हैं या नहीं। अभी आलू ठीक से नहीं गले हैं, तो हम इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। इसे कवर करके पकने देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और आलू काफ़ी अच्छी तरह से गल चुके हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मुझे इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए, और बाकी ठंडी होने के बाद खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। शिमला मिर्च खीमे के साथ भी बहुत टेस्टी बनती है, और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये बिल्कुल रेडी है, अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो थी ना बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक करें इस वीडियो को, और शेयर करें अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।